अनएथिकल प्रैक्टिस. अनएथिकल प्रैक्टिस होती हैं ऐसी ऐसे पॉइंट्स या फिर ऐसी ह्यूमंस की एक्टिविटी जो कि किसी को नुकसान पहुंचाने के यूज़ में आती है. ओके मतलब किसी का डेटा, किसी के अदर पर्सन के कंप्यूटर से डेटा लेना, ठीक है, उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करना, उसको लीक करना, उसको परेशान करना, चिढ़ाना या फिर उसे किसी भी तरीके से उसे हार्म पहुंचाना, ठीक है, वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस में आती हैं. उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो है नेक्स्ट आर द टॉपिक सम प्रैक्टिसेस आर कंसिडर्ड अनएथिकल फॉर यूजर्स ऑफ द इंटरनेट. दीज अनएथिकल प्रैक्टिस आर टर्म्स एज अ साइबर क्राइम. जो ये अनएथिकल प्रैक्टिस हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, साइबर क्राइम कहते हैं, ठीक है. जो सम प्रैक्टिसेस होती हैं यूजर्स के लिए क्या होता है, अनैथिक माना जाता है. उन अनएथिकल प्रैक्टिस को साइबर क्राइम कहते हैं. साइबर क्राइम का कंप्यूटर और इंटरनेट का यूज़ करते हुए एक अनलॉफुल गैर कानूनी तरीके से डिफाइन किया जाता है, ठीक है. दीज अनएथिकल प्रैक्टिस आर टर्म एज ए साइबर क्राइम. साइबर क्राइम इज डिफाइंड एज ए अनलॉफुल एंड पनिशेबल एक्ट कमिटेड यूजिंग कंप्यूटर्स एंड द इंटरनेट. पीपल्स कमिट सच एक्ट्स. मतलब साइबर क्राइम कंप्यूटर और इंटरनेट को यूज़ करते हुए एक अनलॉफुल गैरकानूनी और पनिशेबल मतलब दंडनीय कार्य के रूप में डिफाइन किया गया है यहाँ पर. साइबर क्राइम अनएथिकल लिस्ट में पहला पॉइंट है साइबर क्राइम. मतलब कि ऐसा क्राइम जो इंटरनेट के थ्रू होता है. ओके प्रॉपर जो पीपल होते हैं, सम पीपल्स जो होते हैं वो अदर्स पीपल्स को क्या करते हैं या फिर उनके ग्रुप को या फिर वर्ल्ड के बहुत से इंसानों को, ह्यूमंस को हार्म पहुंचाने के लिए इंटरनेट के थ्रू उनका इंटेंशन बहुत ही गलत होता है. वो ऐसे कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे कि दूसरों को हार्म पहुंचे. तो साइबर क्राइम में भी सेम वे होता है, ठीक है. इसमें भी टू कॉमन एग्जांपल्स देख लेंगे हम. इसके टू कॉमन एग्जांपल्स ऑफ साइबर क्राइम इज स्टीलिंग समवन्स पर्सनल बैंक डिटेल्स एंड इन्फेक्टेड कंप्यूटर लिंक्स टू द इंटरनेट विद ए वायरस, ठीक है. ये क्या होता है, दो कॉमन एग्जांपल है साइबर क्राइम के. फर्स्ट तो है किसी के पर्सनल और बैंक डिटेल्स की चोरी करना, और सेकंड है जो कंप्यूटर्स इंटरनेट से जुड़े होते हैं उनमें वायरस को स्प्रेड करना, ठीक है. तो इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है हम पढ़ेंगे, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है प्लेजरिज्म का. प्लेजरिज्म का हम पढ़ेंगे. प्लेजरिज्म क्या होता है, देखिए मैं आपको नॉर्मली बता देती हूँ. दूसरों के विचारों की चोरी करना और उनके साहित्य की चोरी करना, ठीक है. टैग विदाउट रेफरेंसिंग फ्रॉम समवन एल्स राइटिंग और स्पीच ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. उनके साहित्य की चोरी करना, उनके आइडिया की चोरी करना, ठीक है. तो कई लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के आइडिया को अपना बनाकर शो करते हैं, ठीक है. तो ये जो क्या होता है, एक अनएथिकल बिहेवियर होता है, वो किस में काउंट, उसे क्या कहते हैं, प्ले, उसे बोलते हैं प्लेजरिज्म को बोलते हैं, ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे साइबर बुलिंग. अभी साइबर बुलिंग क्या होता है मैं आपको बताती हूँ. साइबर बुलिंग क्या होता है, साइबर बुलिंग का मतलब होता है इंटरनेट किसी को कुछ जो इंसान होता है वो इंटरनेट पे किसी को परेशान करना, उनको धमकी देना या फिर शर्मिंदा करना जैसे अनएथिकल बिहेवियर करते हैं. तो ये किस में इंक्लूड होता है, साइबर बुलिंग में इंक्लूड होता है. तो जो साइबर अनएथिकल बिहेवियर करता है, जो साइबर बुलिंग करता है, उन लोगों को क्या कहते हैं, साइबर बुल कहते हैं. जो ये जो प्रोसेस जो भी काम करते हैं, एक्टिविटी अनएथिकल बिहेवियर करते हैं, वो करते हैं फ़ोन के थ्रू करते हैं, इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू करते हैं, ईमेल्स, चैट रूम, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू ये सारे अनएथिकल बिहेवियर करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफाई थीफ. कंप्यूटर के थ्रू किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चोरी करना, पर्सनल मीन जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स के नंबर, उनके पासवर्ड्स, उनका घर का एड्रेस, उनके पासवर्ड्स, बैंक डिटेल्स, ठीक है, सो मेनी ईमेल आईडीज, ठीक है. तो ये पर्सनल इंफॉर्मेशन क्या होता है, वो लोग चोरी करते हैं, और वो किसके थ्रू करते हैं, वो करते हैं आइडेंटिटी थीफ के थ्रू. नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे आर
और नेक्स्ट पॉइंट इज यस फिशिंग एंड फार्मिंग, फिशिंग एंड फार्मिंग, ओके, फिशिंग एंड फार्मिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है फिशिंग, फिशिंग हम क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, जाल फेंकते हैं फिश को जाल में फंसाने के लिए, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो जो अनएथिकल बिहेवियर होते हैं, जो कंप्यूटर में जो क्राइम करते हैं, साइबर क्राइम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, एक ऐसी वेबसाइट क्रिएट करते हैं जो कि रियल वेबसाइट दिखती है, जो रियल कंपनी की वेबसाइट, फेक वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं जो कि रियल कंपनी की तरह दिखती है, और उनका जो इंटेंशन होता है वे दूसरों की कॉन्फिडेंशियल इम्पोर्टेंस, कॉन्फिडेंशियल जो इंफॉर्मेशन होती है उनको चोरी करने का होता है। जैसे कि फेकर्स ने क्या करा है, फेकर्स जो होते हैं, जो हैकर्स होते हैं या फिर जो जो फ्रॉड लोग होते हैं, वो जैसे बैंक की वेबसाइट उन्होंने क्रिएट करी, बैंक की वेबसाइट क्रिएट करते हैं, जो जो यूज़र्स होते हैं उनकी वेबसाइट पे विजिट करते हैं, तो वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जैसे कि उनका बैंक अकाउंट, उनके पासवर्ड, उनके क्रेडिट कार्ड्स नंबर, डेबिट कार्ड्स नंबर क्या करते हैं, उसे फिल करवा लेते हैं और उनका मिसयूज़ करते हैं, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र कर लेना, खुद के अकाउंट में चोरी कर लेना, सो मेनी थिंग्स होती है जो कि फिशिंग और फार्मिंग की इंक्लूडिंग होती है। तो आप पढ़ लीजिएगा इंग्लिश में सारा। अब नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हैकिंग, हैकिंग जैसे कि नाम से पता लग रहा है हैकिंग, हैकिंग का मतलब होता है ऐसी एक्टिविटी जो कंप्यूटर के डेटा को नुकसान पहुंचाने के लिए यूज़ आती है, डेटा को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ ही पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करने के काम आती है, डेटा को ख़राब करने के काम आती है, ठीक है। तो हैकर्स वो लोग होते हैं जो किसी के दूसरे के कंप्यूटर में इसके इंफॉर्मेशन को चोरी करते हैं और कंप्यूटर के डेटा को ख़राब कर देते हैं, करप्ट कर देते हैं, या फिर वायरस वायरस कंप्यूटर में इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। तो हैकर्स उन्हीं को कहते हैं। अब सेकेंड और नेक्स्ट पॉइंट देख लेंगे हम, स्पैमिंग। स्पैमिंग क्या होते हैं, स्पैम, स्पैम एक ऐसे अनवांटेड मैसेजेस होते हैं जो कि या तो कंपनी के थ्रू किसी भी कंपनीज़ के थ्रू अपने प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट करवाने के लिए सेंड होते हैं बहुत से यूज़र्स को, या फिर कुछ स्पैम ऐसे होते हैं जो कि वायरस को, मलेशियस जो अनवांटेड सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके थ्रू वायरस को स्प्रेड करने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट ऑफ जो होते हैं, जो लिंक प्रोवाइड करते हैं स्पैम्स में, मेल जो होते हैं वो लिंक प्रोवाइड करते हैं, जब हम उस लिंक पे जाते हैं तो हमें किसी वेबसाइट पे हम ब्राउज होते हैं, एक्सेस होते हैं, तो वो वेबसाइट हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी कर, तो ये सारे क्या हैं, अनएथिकल बिहेवियर साइबर क्राइम के में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम, हमारा ये पॉइंट है सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी, पायरेसी का मतलब तो सब लोग जानते हैं, पायरेसी सीडीज़, मतलब कि ओरिजिनल सॉफ्टवेयर या ओरिजिनल सीडी की कॉपी करके, पायरेसी करके, मतलब उनका नकली प्रोडक्ट बना के सेल करना। तो सेम ही कंप्यूटर में भी होता है, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो यूज़र होते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूँ, मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जस्ट वेट, पायरेसी एक सॉफ्टवेयर का लीगली कॉपी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़र यूज़ करने के लिए एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जब कोई पर्सन किसी सॉफ्टवेयर को ख़रीदता है तो उसे यूज़ करने के लिए उसे लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यूज़र उस सॉफ्टवेयर को किसी दूसरे व्यक्ति को बैकअप पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाने के लिए परमिशन दे देता है, बट वो सेकंड जो पर्सन होता है उस सॉफ्टवेयर को कॉपी बनाने के साथ साथ वो ऐसी इतनी सारी कॉपी बना लेता है कि उनको बेचना शुरू कर देता है। तो ये क्या हो गया, सॉफ्टवेयर की पायरेसी बनाना हो गया, उसकी कॉपी बनाकर बेचना, उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो वह उस बेची गई कॉपी को सॉफ्टवेयर की पायरेसी के रूप में हम जान सकते हैं। तो इसके टाइप कौन कौन से ये देख लेते हैं, इसके टाइप हैं
सॉफ्ट लिफ्टिंग, हार्ड डिस्क लोडिंग, रेंटिंग, काउंटर फिंटिंग एंड ऑनलाइन प्राइवेसी। तो अब इनके बारे में भी हम लेते हैं कि सॉफ्टवेयर जो प्राइवेसी है, वो पायरेसी है, वो कितने टाइप की है। फर्स्ट टाइप देख लेते हैं हम इसका, सॉफ्ट लिफ्टिंग। नाम से आप मान रहे होंगे सॉफ्ट लिफ्टिंग। सॉफ्ट लिफ्टिंग इज़ द मोस्ट कॉमन सॉफ्टवेयर पायरेसी यूजली प्रैक्टिस इन होम एंड ऑफिसेस। सॉफ्ट लिफ्टिंग मीन्स शेयरिंग सॉफ्टवेयर वेयर समवन हु इज ऑथराइज बाय द लाइसेंस एग्रीमेंट। एक ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति या पर्सन के साथ सॉफ्टवेयर को शेयर करना जो कि लाइसेंस एग्रीमेंट के लिए ऑथोराइज नहीं है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सॉफ्ट लिफ्टिंग कहते हैं। सेकंड पॉइंट हमारा आ रहा है हार्ड डिस्क लोडिंग। आप मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर पायरेसी सॉफ्टवेयर है जिसे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है, ठीक है। और ऐसे ही कंप्यूटर के ऐसे बहुत से एप्लीकेशन पायरेसी सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि पायरेसी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, ठीक है। तो उन्हें क्या करना है, कंप्यूटर बनाते वक्त, कंप्यूटर को मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त उसकी हार्ड डिस्क में लोड किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, रेंटिंग। इट इज़ अ क्राइम टू रेंट आउट लैंड सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ द लाइसेंस होल्डर्स। दिस इज सिमिलरली टू रेंटिंग आउट सीडी डीवीडी एंड मूवीज। रेंट का मतलब होता है किराए पे देना। ये एक ऐसा क्राइम है जिसमें सॉफ्टवेयर लाइसेंस होल्डर की परमिशन के बिना सॉफ्टवेयर को रेंट पर दिया जाता है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, काउंटर काउंटरफीट्स का मतलब होता है जालसाजी। नॉर्मल तो होता है किसी को फंसाना या फिर नकली तरीके से, मतलब ऐसी कॉपी रेडी करना जो हूबहू ओरिजिनल कॉपी जैसी दिखती है। तो ये क्या होता है, फोटोकॉपी बनाना होता है, मतलब काउंटरफीट्स का मतलब। तो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की कॉपी बनाना ही काउंटरफीट्स कहलाते हैं। तो जैसे ओरिजिनल सीडीज डीवीडीज की फोटोकॉपी करके, जैसे मूवीज़ की होती है उनकी फोटोकॉपी ओरिजिनल की कॉपी करके उन्हें कम कीमत में बेचना और प्रॉफिट लेना। नेक्स्ट देख लेंगे हम पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है ऑनलाइन प्राइवेसी। हम जब भी ऑनलाइन वर्क करते हैं तो हमें प्राइवेसी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमें किसी रेपुटेड, फर्स्ट पॉइंट जो है परचेज सॉफ्टवेयर फ्रॉम रेपुटेड सेलर, किसी अच्छे सेलर से हमें परचेस करना चाहिए सॉफ्टवेयर, मैन्युफैक्चरिंग वेबसाइट से परचेस करना चाहिए, रजिस्टर सॉफ्टवेयर ही हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स जो आप रीड कर लेना। नेक्स्ट आर टॉपिक इज, पॉइंट इज वॉयलेटेशन ऑफ प्राइवेसी। वॉयलेटेशन का मतलब मान लीजिए किसी कोई पर्सन है, उसका इन्वेंशन, उसकी कोई खोज, उसका कोई नया प्रोडक्ट या उसका आइडिया या उसके डिज़ाइन, ठीक है, उसने कुछ अपने माइंड से क्रिएट करा तो, और उसने उसको इंटरनेट किट पे डाल दिया, तो क्या होता है, उसके आइडिया को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कॉपी करने से रोकना, कोई दूसरा पर्सन उसे कॉपी करेगा तो उसका आइडिया तो चोरी हो गया। तो क्या होता है कि उसके इन्वेंशन आइडिया और डिज़ाइन को किसी दूसरे पर्सन के थ्रू कॉपी करने से रोकना, या कानून के थ्रू रोकना क्या कहलाता है, वॉयलेटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, वॉयलेटेशन कहलाता है, ठीक है। तो इस सेम दिस वे में किसी पर्सन के क्रिएशंस को हम कानून की हेल्प से उसको सिक्योर कर सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। और हम उसको आगे रीड करेंगे। टॉपिक इज कॉपीराइट। Copyright is a term used to describe the rights that creator have other or theirs contents or artistic work. It is type of intellectual property rights given to photograph, authors, editors, publisher, music composer. जो अब मैं आपको ये बताती हूँ, मतलब कि किसी पर्टिकुलर पर्सन, कोई भी स्पेशल पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, वो कोई भी हो सकता है, म्यूजिशियन हो सकता है, पेंटर हो सकता है,
ऑथर, फोटोग्राफर कोई भी हो सकता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में किसी भी इंफॉर्मेशन, उसका क्रिएशन, उसका आर्ट, उसके आर्ट या उसकी कोई भी एक्टिविटी, ठीक है, उसकी एक्टिविटी को कॉपीराइट करना, रिजर्व करना, ठीक है, उसके ऑल राइट्स को रिजर्व करना कॉपीराइट्स कहलाता है। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए, ये ऑथर है, ऑथर को अपनी बुक है, उसको हमें उसकी उसने अपनी बुक को कॉपीराइट करवा रखा है, तो उसको क्या, उसकी कॉपीराइट होने पर उसको प्रोटेक्शन मिलेगी, लॉ मिलेगा, पेटेंट मिलेगा, रजिस्ट्रेशन होगा, लाइसेंस मिलेगा, ठीक है, आइडिया तो है उसको, और उसकी प्रॉपर्टी बन जाएगी उसकी बुक। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं हम, ये देखिए ये है चेक योर प्रोग्रेस, फर्स्ट पॉइंट देखिए ट्रू फॉल्स का, साइबर क्राइम इज़ ए लॉफुल एक्ट, तो इसका फॉल्स, फॉल्स। सेकंड का अनएथिकल इज यूज द पायरेट सॉफ्टवेयर, ट्रू। द फाइल इज एन कंप्यूटर इज पब्लिक प्रॉपर्टी इज अ फॉल्स, स्पेंडिंग वायरस एंड हार्मफुल प्रोग्राम कंप्यूटर एंड एथिकल से ट्रू। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डिजिटल फुटप्रिंट, फुटप्रिंट तो आप जानते हैं, पदचिन्ह, पैरों के निशान जो कि शो कर रहा है, ये क्या होते हैं, फुटप्रिंट्स दिख रहे, तो यू लीव बिहाइंड योर फुटप्रिंट्स ऑन ए वेट बीच, जैसे आप किसी गीले स्थान पर, किसी गीली जगह पर क्या करते हैं, गीली जगह पर जिस तरीके से आप अपने पैरों के निशान छोड़ते हैं, सेम वे में आप ऑनलाइन ब्राउजिंग करते वक्त अपने डिफरेंट वेबसाइट्स पर विजिट या ब्राउजिंग करते वक्त अपने डिजिटल फुटप्रिंट छोड़ते हैं। तो डिजिटल फुटप्रिंट इज़ द इंफॉर्मेशन अबाउट ए पर्टिकुलर पर्सन दैट एग्जिस्ट ऑन द इंटरनेट एज इजेंट हर एन ऑनलाइन एक्टिविटी। तो डिजिटल फुटप्रिंट्स एक ऐसी ऑनलाइन क्रिया है, प्रोसेस है, जिसमें आपने किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर इंटरनेट पे कुछ सर्फिंग की, ऑनलाइन एक्टिविटी की है, तो उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी डिजिटल फुटप्रिंट्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि आप बहुत से काम करते हैं वाइल यूजिंग द इंटरनेट, द परफॉर्मिंग वेरियस एक्टिविटीज सच एज रजिस्ट्रिंग ऑफ वेबसाइट्स, सेंडिंग मेल्स, अपलोडिंग इमेज, वीडियोज, मेकिंग ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस, पोस्टिंग कमेंट्स ऑन सो ऑन, तो ये सारी एक्टिविटीज़ है जो कि डिजिटल फुटप्रिंट्स बनाती है। ठीक है, और कुछ और एग्जांपल्स हैं, जस्ट लाइक सोशल नेटवर्किंग साइट्स, जो सोशल नेटवर्किंग साइट में आप चैटिंग वगैरह करते हैं तो आपके डिजिटल फुट में आपकी एबिलिटी पता लग जाती है, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ब्लॉगिंग लिखते हैं, तो ये सारे क्या है, डिजिटल फुटप्रिंट्स के एग्जांपल्स हैं। अब क्या सेफ्टी मेजर यूजिंग इंटरनेट, सेफ्टी मेजर हमें क्या, इंटरनेट यूज़ करते वक्त सेफ्टी मेजर का ध्यान रखना पड़े, हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक शेयर नहीं करनी चाहिए किसी को, ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं, हमें एंटीवायरस डालना चाहिए, पासवर्ड्स स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हमें हर 7 डेज में अपना पासवर्ड चेंज करते रहना चाहिए, चेंज करने के साथ अदर्स जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ पे बार बार क्लिक करना चाहिए, क्योंकि कोई वायरसेस होते हैं जो कि एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही शो होते हैं, स्प्रेड होते हैं हमारे कंप्यूटर में। सेकंड पॉइंट देख, नेक्स्ट पॉइंट यूजिंग फेयरवॉल का यूज़ करना चाहिए हमें सोशल नेटवर्किंग साइट पे, जब भी हम यूज़ करें उसे तो हमें अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को शेयर नहीं करने चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ अलर्ट्स हैं जिन्हें आपको अच्छे से रीड करना है। अब PDF चेक योर प्रोग्रेस, इसको मैं जो एक्टिविटीज़ और PDF क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं भी सेंड करती हूँ आपको। ओके क्लास, थैंक यू।